रसिकों का। अच्छा अच्छा अब समझ, मौन हो एकादशी का। पहला वृंदावन धाम, दूसरा रसिकों का संग, और तीसरा एक चारों गांठ बांध ले जाना तो ही रस की उपासना थोड़ी बहुत आएगी हृदय में। तीसरा, तीसरा क्या है? ये तीसरा है श्री राधा रानी के चरणों की उपासना, ये तीसरा रस है। उनकी चरणों की उपासना इस रसमयी भक्ति का तीसरा अंग है। जब श्री राधा रानी की चरण रज में, रजोपासना में हमारा मन लगने लग जाए तो समझना अब ये रस धीरे धीरे हमें प्राप्त हो रहा है। अजी उनके चरणों की तो ठोकर भी कृपा है, अगर श्री जी ठोकर भी मार देना, जो भैया कह रहे थे कल राधा रानी गुस्सा, अरे वो जो करें उनकी ठोकर में भी कृपा ही कृपा है। ये भाव मुझे अच्छे से याद नहीं, तो शायद षड गोस्वामियों में से ही शायद जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी का भाव है, रूप गोस्वामी का भाव विलाप कुसुमांजलि। तो उसमें श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि एक बार श्री स्वामिनी जी विराजमान थी, सब सखी दर्शन कर रही थी, तो स्वामिनी जी को दिखाई दिया कि उनका श्रृंगार सब अच्छा है पर उनका जो कमर में जो कटी प्रदेश में जो कोंधनी पहनती है वो भूल आई आज। तो पास में ही तुलसी मंजरी यानी रूप गोस्वामी पाद बैठे थे, तो राधा रानी को इशारा किया कि सखी जा, मेरी कोंधनी रह गई भवन में, वो लेकर क्या, और देख ये तुझे दिए सेवा, किसी को बताना नहीं, श्रृंगार रस है तो ज्यादा किसी को बोलना नहीं। तो तुलसी मंजरी भागी 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 गई और कोंधी लेकर के आ रही थी, रास्ता में मिल गई ललिता सखी। तो ललिता सखी मिली तो बोली कहाँ जा रही है, बोली श्री जी ने ऐसे ऐसे सेवा। अब सखी ये तो अष्ट सखी है ना, इनसे तो कुछ छुपा नहीं सकते, तो बता दिया कि ऐसे ऐसे श्री जी की कोंधनी मंगाई। ललिता बोली लम्बे दे आती हूँ, मना भी नहीं कर पाई, दे दी। ललिता सखी लेके आई वो कोंधनी, श्री जी को पहना दी, श्री जी के चरणों में आके तुलसी मंजरी बैठ गई। तो राधा रानी उसको देख रही है टेढ़ी टेढ़ी, बता दिया तूने, मैंने तुझे बोला था ना बताना नहीं, तो प्यार भरी चरणों की ठोकर उसके वक्ष पर मारी, प्रेम भरी। और रूप गोस्वामी पाद कहते वही चरणार विंद जब श्री जी उनके वक्ष पर स्थापित करती है ना, वही चरण आज सब वैष्णव भक्तों के, जो हम सश्री अंगों पर जो चंदन लगाते हैं, ये चरण लगाते हैं, मस्तक पर ही थोड़ा चंदन लगता है, दोनों बाहु में वक्ष स्थल पर ये सब जगह चंदन लगाए, तो वो जो चंदन लगाने का भाव वो यही है कि श्री जी जहाँ चरण स्पर्श कर दे प्रेम में, वहीं वैष्णव जन तिलक लगाते हैं श्री जी के चरणारविंदों को स्थापित कर। तो वहाँ जैसे ये विलाप कुसुमांजलि का हुआ, जैसे चरण छुआ तो वहीं पर चिन्ह बन गया राधा रानी के चरणों का, वहीं पर वैष्णव तिलक लगाते हैं। कितना राधा रानी के चरणारविंदों का कितना उल्लेख, कितना भाव है। एक बार द्वारिका में 16,108 रानियां बैठी थी, सभा लगी हुई थी, और उस सभा की सभापति थी द्रौपदी। तो देवी द्रौपदी ने सब इन रानियों से पूछा कि तुम कृष्ण से क्या चाहती हो, तुम कृष्ण से क्या मन में भाव है तुम्हारा मांगने का। तो सब 16,000 रानी कहती हैं काम्य मह एतस्य श्रीमद पाद रजश्रिय, हम चाहती हैं श्री कृष्ण के चरणारविंदों की रज। तो द्रौपदी ने बड़े आश्चर्य में पूछा कृष्ण चरणारविंदों की, तुम तो दिन भर उनके संग रहती हो, तो क्या तुमको उनकी चरण रज नहीं मिलती।
तो रानी कहती है चरण रज तो मिल जाती पर हमको साधारण चरण रज नहीं चाहिए, हमें वो चरण रज तो हमें रोज मिलती है, कैसी चरण रज चाहिए, हमें विशेष तरीके से चाहिए। श्रियत कुछ कुमकुम गंडाद्यम, हमें चरण रज वो वाली रज चाहिए जिसमें श्री राधा रानी के चरणों की कुमकुम से जो युक्त चरण रज वो चाहिए, साधारण रज की प्राप्ति। यानी ये रानियां भी जानती हैं कि बिना श्री राधा रानी के कुमकुम से युक्त जो चरण रज है वो प्राप्त नहीं होगी। तो ये कोई ब्रज की माटी नहीं है, जो भी ब्रज में उड़ती है ये ब्रज की कोई माटी नहीं, राधा रानी की चरण रज है, चरणारविंद है, चरणों की उपासना, ये इस रस की तीसरी सीढ़ी है, तीसरा अंग है। इसलिए तो ब्रज रसिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठाकुर रानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ए मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, बांके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी 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 के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। रानी के चरण, मन भूल मत जइयो
चरण
और इन चरणों को भूल भी गया तो जाएगा कहाँ, पाएगा क्या? इस रस की उपासना में ब्रज की रज की बड़ी महात्म्य है, महिमा गाई है। रज के चार अर्थ होते हैं, एक होता है उत्पत्ति स्थान, एक होती है आसक्ति, एक है अंधकार और चौथा है रंगना। ये चारों काम श्री राधा रानी के चरण की रज करती है। सबसे पहला है उत्पत्ति, क्योंकि बिना रज के साधारण जगत में भी, बिना माटी के एक पत्ता भी नहीं उग सकता। आप चाहो कि मार्बल पे हम पेड़ उगाएं तो संभव नहीं है, उसके लिए माटी चाहिए, रज चाहिए। वैसे ही अगर हम अपने हृदय में प्रेम रूपी वृक्ष को उगाना चाहते तो हमें रज का आश्रय लेना पड़ेगा। दूसरा आसक्ति, ये रज क्या देती है? जो आसक्ति हमारे संसार से है, इस रज की उपासना करने से वो आसक्ति हमारी श्री ठाकुर प्रिया प्रीतम में हो जाती है। अंधकार हमारे जीवन में, जब रज उड़ती है ना आकाश में, तो चांद सूरज भी छुप जाते हैं, उनका प्रकाश छुप जाता है। वैसे ही रज से हमारे संसार के जितने भी आकर्षण हैं वो सब छुप जाएंगे, अंधकार को मिटाने का काम करती है। और चौथा रंगना, रंगती है रज, क्या रंगती है? बोले हमारे हृदय को रंग देती है भगवत प्रेम में। इसलिए श्री राधा रानी के चरणों की उपासना, उनके रज की उपासना, ये इस रसोपासना का तीसरा भाव है। और चौथा और अंतिम रसोपासना का जो अंग है वो है दासी भाव। दासी भाव के द्वारा इस ब्रज उपासना को, रस उपासना को प्राप्त किया जा सकता है, बाकी और दूसरा कोई नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं, कोई कह रहा है वात्सल्य भाव श्रेष्ठ है, कोई कहता है सख्य भाव श्रेष्ठ है, खेलन में को का को गुस्साई बोला हम तो ठाकुर जी के यार हैं, कुश्ती लड़ेंगे, ये भाव भी बड़ा अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन श्री राधा किंकरी नाम तू अखिल चमत्कार सारई की सीमा, जो अंतिम में जो इस दासत्व दासी भाव का वर्णन किया है वो सबसे उत्तम माना गया है, सखी भाव का, दासी भाव का, किंकरी भाव का। ये चार चीजें अपने हृदय में आप विराजमान करेंगे तो आपको प्रिया प्रीतम की जो नित्य लीला है उसका रस प्राप्त होगा। तो एक बार दोहरा लो ताकि भूलो नहीं। पहला, बोलिए जोर से बोलिए, वृंदावन धाम। दूसरा, रसिकों का संग। तीसरा, श्री राधा रानी के चरणों की और उनके रज की उपासना। और चौथा, दासी भाव। जो सब तो उसमें क्वालिफाइड नहीं होते, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी सभी बन जाएंगे, पर लक्ष्य वो रखना चाहिए कि हमको वो लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य हो जाएगा तो फिर उस पे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। वृंदावन धाम आपको प्राप्त है रजोपासना का मन, रसिकों का संग करके मन में प्रकट करिए, तब श्री राधा रानी की महिमा किंचित मात्र समझ में आएगी। ये मत समझना कि हम अब तो हम समझ बैठे, अब क्या होता है ना, हम थोड़ा बहुत सुन रहे हैं अब श्री राधा रानी के बारे में, कोई जगत में जरा सा भी बोलेगा ना राधा रानी ऐसी तो हम बड़े घमंड में आके, अरे तुम क्या जानते हो, हम जानते राधा रानी, अरे तू क्या जानता राधा रानी को, कन्हैया कह रहे मैं नहीं जानता श्री राधा रानी की इन लीला और भावों को, और तुम घमंड में चूर होकर के 7 दिन में कह दो हम जानते हैं। नहीं जानता, 7 अरब करोड़ असंख्य जन्म भी ले लोगे तो श्री राधा रानी के इस रस को, ब्रज के इस दिव्य रस को, ये अनुभव का विषय है।
आपस में, यहाँ हर काम वो होता है जिससे एक दूसरे को सुख मिले, बस ये खोजते रहते क्या करें क्या करें। बताओ और कोई काम धंधा थोड़ी है आपकी तरह, उनको कोई नौकरी पे थोड़ी जाना है, बाल बच्चे थोड़ी पालने हैं, एक ही काम है क्या करे जो प्रियतम को सुख मिले एक दूसरे से। सखी सोचती है ऐसा क्या करे जो युगल को सुख मिले, नए नए खुराफाती दिमाग लगाती रहती है कि अब ये करेंगे अब वो करेंगे, और कुछ नहीं लीला बची तो क्या करेंगे राधा रानी आज इनको श्याम सुंदर बनाएंगे। एक समय श्याम सुंदर श्री राधा रानी के मन में आया कि आज कुछ कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग रस होना चाहिए, अलग लीला होनी चाहिए। तो बस निकली मन से चाह निकली, पहुंच गई वहां तक, और फिर क्या हुआ, एक सखियों का झुंड, सखियों का एक समूह श्री जी के भवन में पहुंच गया। अब श्री राधा रानी तो आंख बंद करके सोच ही रही थी कि कुछ अच्छा अद्भुत लीला में कुछ हो, रस में कुछ हो। सखियों का पूरा समूह आ गया, राधा रानी ने आंख खोली, सखी बोली अरे प्रिया जी हम तुम्हारे डोरे कैसे पहुंच गए, हम तो नंद भवन जाने के तई निकले और कैसे ही पांव चल के यहाँ पहुंच गए। अरे हमने तो सुनी यहाँ ब्रज में एक जादूगर है, पर अब पता चली तुम तो बातें भी बड़ी जादूगर निकली, अरे जा रहे नंद महल कैसे पांव मुड़ के यहाँ आ गए। तो श्री राधा रानी ने हंस के कहा कि जहां जा रही थी तो फिर वहीं जाओ जाओ, और जिनके पास जा रही उनको बुला लाओ, है हिम्मत उनको बुलाने की बुला के ला पाओगी। तो सखी बोली कि तू भी क्या याद रखी, हम नंद लाला को कहें और वो ना आए, देख लेना हम ही जीतेंगे तू हारेगी। तो श्री जी बोली जाओ तो सही देखो तो सही। तो सब गई सब सखी, शर्त लगी है कि नंद लाल आएंगे कि नहीं आएंगे, चल पड़ी सब सखियां नंद भवन पहुंची। और ये नंद भवन पहुंची वो वहीं ऐसे ब्रज में कहते ना बटुआ के मोड़े कोसो वहीं बैठो प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब सखी मुँह को बुलाने आवे कब मुँह को बुलावे श्री राधा रानी के दर्शन में, आंखें पल के बिछाए बैठे दिख गई सखी आई। तो ऐसे क्या आनंद की सखी बुला के ले जाए चले जाए, इसमें कोई रस है। तुरंत भागे भागे आए, आके बोले सखी को जो आवाज नहीं बिल्कुल शोर नहीं करो। सखी बोली क्यों जी क्या हो गया, वो घर में मेहमान आए बैठे हैं, बहुत सारे मेहमान बैठे हैं, तुम आई धमकी एकदम धमकती भैया चिल्लाती भई का कहेंगे मेहमान, कैसी अनपढ़ गवार गोपी है कैसी चिल्लाती भई आ रही है। चुप सखी एकदम शांत, वो पूरा भूमिका बना रहे ना कि भीतर ना पता चल जाए ये आई है। और फिर क्या बोलते हैं, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, मोकू एक मैया ने बड़ो भारी काम सौंपो, काम करने जा रहे हैं। सखी हंसी बड़ी जोर से, तुम और काम, आज तक यार नंद महल में कोई काम बिगाड़ने के अलावा कछु करो तुमने, सब बिगाड़े ही बिगाड़े समारोह का है तुमने, जो काम है चाहे तो दाऊ दादा करते चाहे नंद बाबा करते बड़े काम। बोले आज मैया ने सौंपो मोकू काम, तुम सब यही ठहरो और यही चुपचाप बैठ जाइयो, भीतर मत जाइयो, मैं तुरंत काम करके अभी वापस आ रही हूँ, जल्दी जल्दी भागे वहां से। तो सखी तो सब सोचने में लग गई चलो इनको काम निपटान दो फिर लेके जाएंगी। ये पहुंचे एक बूढ़ी अम्मा के घर, और बूढ़ी अम्मा ते जाके जोर जोर से बोले मैया मैया मैया, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते भैया। मैया बोली का हो, मैया तेरी छोरी गई ना यमुना जी पर कपड़ा धोवे, तेरी छोरी को पाम फिसल गए गड्ढा में गिर गई। अब तो महाराज मैया बोली कि अच्छो छोरी गिर गई पानी में गिर गई, लगी तो नहीं। बोली चिंता मत करो लगी ज्यादा नहीं है, एक काम करो भीग गई है, मैं वहीं ते जा रहे हो रास्ता में जा रहे हो तो बोली हमारे घर ते लाला हमको एक जोड़ी कपड़ा ले यो, क्योंकि भीगी भई हो ना कैसे जाऊंगी घर पे, तो कपड़ा वस्त्र लेने आयो। तो आ गई
ठाकुर जी कह रहे हैं वस्त्र दे दो वा गोपी के। बोले मैं चलू देखने, बोले ना ना इतनी चोट थोड़ी लगी है, कोई खूब दीन दस हो रहे ऐसे तो गिरते पड़ते रहे। तो लेके वाके वस्त्रन को चले गए और बीच में वन में जाके वा सखी के खुद वस्त्र पहन लिए और खुद वस्त्र पहन के कहाँ पहुंचे ये बताओ ना कहाँ पहुंचे हमारे ब्रज में एक देहाती भाषा में कहावत है, करकेटा की चोट बिटोरा पे। बिटोरा समझते हो है दिल्ली वालों, किसको कहते बिटोरा? जो वो कंडे के उपले बनाते ना, फिर उन उपलों का एक घर बनाते हैं। अब इसकी कैसे व्याख्या करूं, ये तो बिटोरा देखोगे जब ही समझ आएगा। एक एक अमेरिका से एक लड़की आई थी बहुत साल पहले, तो ऐसे देखी थी, तो देख करके बोली अरे यहाँ तो इनका काउडंग का हाउस बनाया जाता है, पूरा बाउंड्री वाउंड्री लगा के भैया उसमें फिर भीतर घुसती है। हमने खूब बचपन में खूब किए बिटोरा में घुस घुस के खूब कंडा निकाले। तो कहावत है ये, करकेटा की चोट बिटोरा पे। तो कहाँ जाएंगे ये, कौन से कहीं कोई ऑफिस थोड़ी जाना, इनको सीधे पहुंचे लहंगा फरिया पैर के ऋषभान जी के घर, राधा रानी के पास। राधा रानी तो वहां इंतजार में बैठी थी, आंखें बंद थी कि सखिया आ रही होंगी, सखिया आ रही होंगी। तभी श्री राधा रानी का दुपट्टा का कोर जो है, उस दुपट्टे की कोर को किसी ने खींचा, एकदम चौंकी श्री राधा रानी, लगा कि श्याम सुंदर आ गए। पर वहां देखा आंख खोल के तो ये तो एक सखी खड़ी है। तो पूछा राधा रानी ने कि वो नहीं आए? तो छलिया सखी बोली कि नहीं आज वो नहीं आए, आज वो नहीं आए। तो तू कौन है? तो अरे इतनी जल्दी भूल गई, अभी तुमने ही तो हमसे शर्त लगाई थी, उस सखियों के झुंड में मैं भी तो थी, ये शर्त है श्याम सुंदर को बुला के ला के दिखाओ। तो राधा रानी हंसती बोली हार गई, हार गई ना, मैंने कहा था नहीं बुला के ला पाएगी। सखी बोली हारे तू और तेरे वो चरणों का चेहरा, मैं क्यों हारू? हारे तू और तेरा वो गुलाम, मैं नहीं हारी। कैसे नहीं हारी, शर्त तो ये थी कि तू श्याम सुंदर को बुला के लाई। बोले शर्त ये थी बुला के लाऊंगी, शर्त ये थोड़ी थी कि नंद वृषभान भवन बुला के लाऊंगी। बुला के तो मैं ले आई, पर वो वृंदावन की निधि वन की सघन कुंजों में तुम्हारा इंतजार कर रहे, चलो। और आगे आगे वो छलिया सखी और पीछे पीछे श्री स्वामिनी राधा रानी चल पड़ी। वृंदावन के सघन कुंजों में पहुंच गई, पहुंचती जा रही है, जब पूछ रही है श्री जी कहाँ हैं, किधर छुपे दिखाओ, तो बोले चलो चलो दिखा रहे हैं, शांति थोड़ा धैर्य धारण करो। प्रयच्छ प्रयच्छ।